अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम हमारे तरीके से एकदम फर्स्ट क्लास नए तरीके से कबाब बना रहे, चिकन कबाब, चिकन आलू कबाब। चिकन का कीमा लिए आप दूसरा कीमा ले सकते हैं, गोश्त का कीमा ले सकते हैं। हमने चिकन को लाए और चिकन में हमने मिक्सर में पीसे आधा किलो ये कीमा है चिकन का, और बारीक बारीक हमने गोभी काटे है, गाजर काटे है, बारीक बारीक मिर्ची काटे है, कोथमीर काटे है। ये ने पांच आलू लिए, इसको छील के मैच करके रखे हैं, और ये प्याज है, और ये प्याज है, एक प्याज लेंगे, एक शिमला मिर्च लेंगे, टमाटर लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है एक टेबलस्पून, एक नींबू का रस लेंगे, दो अंडे लेंगे और मोजरेला चीज़ लेंगे और दूसरी भी चीज़ लेंगे, वो फ्रिज में रखे हैं, पतली हो रही है मतलब पिघल रही, इसके लिए एक टेबलस्पून चिली है, एक टेबलस्पून गरम चिकन मसाला है, एक टेबलस्पून कुटा भुना जीरा है, एक टेबलस्पून चाट मसाला है, एक टेबलस्पून काली मिर्च है। ये मसाले हैं। अभी 50 ग्राम मैदा लिए हैं। हाँ, अभी बनाने का तरीका बताइए रमाद्री। पहले अंडे फोड़ेंगे, दो अंडे ले रहे हैं। हाँ, अभी अंडे को फेटेंगे। देखो हम हमारे तरीके से बता रहे हैं, नए तरीके से वैसा बनाओ और बच्चे लोग को खिलाओ, कितना अच्छा लगेगा। देखो हो गया, अभी इसमें चिकन डालेंगे। आलू इसमें नहीं डालने के हैं, ये देखो ये मसाला डालेंगे। अभी शिमला मिर्च डालें, गाजर डालेंगे, अभी कोथमीर डालेंगे, अभी गोभी डालेंगे, अपने हिसाब से डालने का। हाँ, टमाटर डाल दिए, नींबू का रस डालेंगे, तो एकदम चटपटा बनेगा, एकदम फर्स्ट क्लास। अब ये मिर्ची डालेंगे, स्वाद अनुसार मिर्ची डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, हाथ से नहीं हो, चम्मच से हो नहीं सकता, इसलिए हाथ से कर लें। अभी इसमें मैदा डालेंगे, 50 ग्राम मैदा लिए हमने, मैदा बाइंडिंग के लिए डाल दिया। आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। पांच आलू लिए, उसको अच्छे से मैच करने का। अभी इसमें क्या करने है, मसाले कौन से डाल रहे हैं, देखो चटपटा बनना चाहिए। ये देखो स्वाद अनुसार नमक हो गया। अभी मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर एक एक टीस्पून डाल रहे हैं, देखो चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। हाँ, अभी इसको अच्छे से ये करेंगे, मिला देंगे, थोड़ा सा तेल डाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो नए बटाटे हाथ को चिपक जाते हैं, जुने रहेंगे तो तेल डालने की जरूरत नहीं। अभी ये कोथमीर डालेंगे, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दिए, अभी साइड में रखेंगे इसको और खीमे का बैटर लेंगे। हाथ को तेल लगा दिए, अभी थोड़ा सा बैटर उठाएंगे चिकन का, आप खीमे का भी बना सकते हैं इसकी जगह। ये देखो ऐसा करके, ये देखो
ये देखो इसका ऐसा सेप देने का, थोड़ा लंबा जैसा सेप देने का, और जो खड्डा करने का उसमें, देखो ऐसा थोड़ा खड्डा करने का, ये देखो थोड़ा खड्डा कर दिए। अब आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर प्लेट पे रखो। हाँ, हमारे पास बटर पेपर लाने वाला कोई नहीं, लाने गया वापस आया। शिवली नगर में कुछ मिलता नहीं, तुम लेना नहीं घर, मैंने ली फंसता ही हूँ, तुम लोग लेना नहीं। ये देखो ये आलू, और आलू दे, ये देखो इतना पोषण उठाने का कबाब के इतना, ये देखो फिर इसको ऐसा ही करने का, ये देखो ऐसा चपटा करने का, ये देखो इसमें रख देने का। ऐसा ही दूसरा भी बनाएंगे, दो बनाने का, ये बनाओ। झटपट होता है ये, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बीच में ऐसा खड्डा करने का इसको, ये देखो ऐसा करने का बीच में खड्डा, इसके ऊपर ही आलू रख देने का, आलू का पोषण इसके ऊपर रख देने का। ये देखो इसको ऐसा करने का, ऐसा ऐसा करके ऐसा खड्डा करने का बीच में लंबा करके। अभी इस पे ये देखो ये लगा देने का, अभी पूरा बनाएंगे फिर बताएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हमने इधर, देखो हमने चिकन कबाब बनाए, उसके ऊपर हमने आलू कबाब बनाए, अभी ये हम बनाए, अभी इसके ऊपर क्या करने का देखो। आपके दिल में जितना चीज लाए उतना आप डालो, हम डाल रहे हैं हमारे हिसाब से। ये देखो ऐसा करके चीज डालनी, ये देखो ऐसा करके लाइन से, ये देखो तो हमने ओवन को जो है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे बेक होने के लिए, 180 डिग्री पर बेक हो जाएगा, फिर आपको बताएंगे। देखो हमने 180 डिग्री पे 10 मिनट रख दिए है, कितना अच्छे से बन गया है। देखो ऐसा बच्चे लोगों को बना के खिलाओ। देखो चिकन आलू कबाब बनके रेडी है, तैयार है। ऐसा तुम भी बनाओ, बच्चों को खिलाओ, खुश हो जाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरी रेसिपी को आगे बढ़ाओ प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।